20 तारीख को गुलाम जिलानी खान जो कुकरबाग मलबाग में रहते हैं, पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिस्डिक्शन आती है, उनके घर यहाँ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। वो मीनवाइल जो उनने ज्वेलरी वेलरी घर में जमा करके रखी थी, तो ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं, पुलिस मतलब पुलिस पोस्ट अहमदनगर में जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने ये कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से 4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो हमने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454-380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर है श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी कयादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेम्बरान मतलब SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने मतलब फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी मतलब आसपास जो हमें क्ल्यूज मिले, जितनी भी हमारी मतलब आसपास शवाहद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी 24 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली। जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी, तो उसके मतलब एतराफ है, हमने वो जो जितनी भी स्टोल प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली है। तो कुल मिला के कितनी की प्रॉपर्टी थी सर? तो आपके सामने ये हमने प्रॉपर्टी रखी है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं कि ये 60-70 लाख से कम तो है नहीं। तो इनके घर में कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, इनके बेटे की इनकी बेटी की शादी होने वाली थी, इन बेचारों ने जिंदगी भर की पूंजी इसमें लगाई थी। तो शादी के लिए तैयारियां हो रही थी, नेचुरली आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ शादी से पहले लोग जेवरात जमा करके रखते हैं दुल्हन के लिए या जो आने वाली दुल्हन है उसके लिए, तो उनने जमा करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 60-70 लाख से कम तो चोरी नहीं। तो इर्शाद साहब, अगर देखा जाए शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन केस की, जो मतलब घर के जो फर्द थे, जब हम मतलब अफराद थे, उनसे हमारी बात जब हुई, तो उसमें मतलब कई लोगों का मतलब हम उसमें हम पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन मतलब उन्होंने ये एक हमें पिन पॉइंट करके दे दिया कि ये इसमें जो ये लड़ी है ये उनके मकान के साथ में ही रहती है, उनके घर आना जाना है, तो मतलब शकावरों की लिस्ट में ये टॉप प्रायोरिटी पे थी। तो बट लड़ी थी, थोड़ा सा हमें बड़े सोच समझ के उससे पूछताछ करनी थी।